दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम को T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद भारतीय टीम इस मुकाबले में खतरनाक प्रदर्शन करने के लिए तैयार है और केन विलियमसन की कप्तानी में खेलने वाली न्यूजीलैंड की टीम को टेस्ट में भी क्लीन स्वीप कर ICC टेस्ट रैंकिंग में दोबारा नंबर 1 की पोजीशन पाने के लिए बेकरार है। और अपनी इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान आपस में ही एक प्रैक्टिस मैच खेला, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने धुआंधार प्रदर्शन करते हुए ये दिखा दिया कि न्यूजीलैंड की टीम का पहले मुकाबले में जीतना असंभव है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं पूरे प्रैक्टिस मैच का हाल, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज को जीत पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने जीतने के लिए तैयारी करते हुए आपस में ही एक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेलते नजर आए, जिसमें एक टीम की कप्तानी अजिंक्य रहाणे संभालते नजर आए, वहीं दूसरी टीम के कप्तान KL राहुल थे। दोस्तों, कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी टीम में खतरनाक बल्लेबाज मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाजों समेत ईशांत शर्मा और अक्षर पटेल जैसे गेंदबाजों को टीम में शामिल किया, तो वहीं KL राहुल ने श्रेयस अय्यर और रिद्धिमान साहा जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजों के साथ उमेश यादव और रविचंद्र अश्विन जैसे गेंदबाजों को टीम में शामिल किया, जिसके बाद KL राहुल ने टॉस जीतकर पहले अजिंक्य रहाणे की टीम को बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया और उनका ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। अजिंक्य रहाणे की टीम से बल्लेबाजी करने उतरे खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, उमेश यादव की गेंदों के आगे फेल होते नजर आए और 3 ओवर में मात्र 7 रन ही बना पाए, जिसे देखकर KL राहुल काफी खुश थे। लेकिन तभी कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपना रूप बदलते हुए 4थे ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंदों पर लगातार 4 छक्के जड़ दिए और अपनी फॉर्म में वापस आते हुए टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाने लगे। वहीं दूसरी ओर चेतेश्वर पुजारा भी अपने हाथ खोलकर बड़े बड़े शॉट्स लगाने चालू कर दिए, जिसके चलते अजिंक्य रहाणे की टीम ने 10 ओवर में ही 84 रन बना लिए, जिसमें अजिंक्य रहाणे ने अर्धशतक लगाते हुए 54 रन और चेतेश्वर पुजारा 30 रन का योगदान दिया। हालांकि इसके बाद गेंदबाजी करने आए R अश्विन ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट झटक कर अजिंक्य रहाणे की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। उन्होंने पहली गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे और अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे मयंक अग्रवाल को आउट कर दिया, जिसके चलते अजिंक्य रहाणे की टीम 15 ओवर के इस मुकाबले में मात्र 130 रन ही जुटा सकी। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरे KL राहुल की टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए रिद्धिमान साहा और श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे और उन्होंने आते ही धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन शुरू कर दिया। रहाणे की टीम की ओर से पहला ओवर डालने आए ईशांत शर्मा की गेंदों पर लगातार 4 चौके जड़कर श्रेयस अय्यर अपनी फॉर्म का प्रदर्शन किया। वहीं अगले ओवर में रिद्धिमान साहा ने भी 3 बड़े छक्के लगाकर अपनी बल्लेबाजी को प्रदर्शित किया। उनके इस रूप को देखकर ये लगने लगा कि टीम आराम से ये मुकाबला हार जाएगी, लेकिन तभी वापसी करते हुए ईशांत शर्मा ने 6थे ओवर में रिद्धिमान साहा को 35 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद KL राहुल की टीम का स्कोर 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 65 रन पहुंच गया। रिद्धिमान साहा के आउट होने के बाद खुद कप्तान KL राहुल मैदान में खेलने के लिए उतरे, लेकिन कोई खास बल्लेबाजी नहीं कर सके, इसके चलते रहाणे की टीम ने शानदार वापसी करने में कामयाब रही और इसी कारण KL राहुल को आखिरी 2 ओवर में 23 रन की आवश्यकता थी, जिसे देखकर ये लग रहा था कि रहाणे की टीम आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन तभी KL राहुल अपने खतरनाक फॉर्म में वापस आते हुए अक्षर पटेल के गेंदों पर 4 लंबे गगनचुंबी छक्के जड़कर अपनी टीम को शानदार जीत दिला दी। दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन में किए गए प्रदर्शन को देखकर तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि सभी भारतीय खिलाड़ी 25 तारीख से शुरू होने वाले टेस्ट मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम अपने इस प्रदर्शन की बदौलत पहला टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रहेगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।